अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शम्सुल्ला और आप देख रहे हो शम्स यूसी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों ने तमिल पर भी देखा और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, आप लोग अपने मोबाइल को इस तरह अमेजिंग, स्टाइलिश और खूबसूरत कैसे बना सकते हो। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है सिर्फ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाई स्टेप शेयर करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग इस तरह अपने मोबाइल को इस तरह स्टाइलिश बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। जब भी आप लोग किसी के सामने अपने मोबाइल को अनलॉक करते हो तो जब भी वो देखता है आपका मोबाइल इस तरह, तो वो बिल्कुल हैरान हो जाएगा, वो बिल्कुल यही बोलेगा, वाह भाई ये कैसा सिस्टम है आपके मोबाइल में। तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस तरह अपने मोबाइल को बना सकते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल को जिस साइड पर भी यहाँ पर घुमाता हूँ, मेरे जितने भी एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पर नीचे गिरते। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं मोबाइल को सीधा करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं साइड पर करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं फिंगर से यहाँ पर इसी एप्लीकेशन को ऊपर नीचे करता हूँ। आप लोग यहाँ पर इसी एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हो। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर ओपन करता हूँ एक एप्लीकेशन, मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर गूगल जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसी तरह आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि आप लोग इस एप्लीकेशन को कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, इसका नाम क्या है और इसका सेटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। बहुत ही आसान है और बहुत ही स्टाइलिश, अमेजिंग, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया ये एप्लीकेशन। तो इसके लिए सिर्फ आप लोगों ने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है रोलिंग आइकन, इसको आप लोगों ने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वाली एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ पर इमोजी फोटोज़ भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले एप्लीकेशन के बारे में। तो आप लोगों ने एफ आइकन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने जितने भी यहाँ पर आपने सेलेक्ट किए होंगे आपकी स्क्रीन पर उतनी एप्लीकेशन शो हो जाएंगे। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट या पर मैं क्लॉक ख़त्म करता हूँ, कैपकट ख़त्म करता हूँ, या पर कुछ एप्लीकेशन मैं ऐसे ख़त्म करता हूँ, फिर वहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं कि ये सच में ख़त्म हो गए या नहीं। मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ बहुत सारी एप्लीकेशन में, थोड़ी सी एप्लीकेशन यहाँ पर छोड़ता हूँ, फिर बाद में स्क्रीन पर देखते। आप लोगों ने जितने भी एप्लीकेशन आप लोगों को स्क्रीन पर चाहिए आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट करना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन थे, सारे एप्लीकेशन थे, और अभी यहाँ पर थोड़े से एप्लीकेशन है। तो इस तरह आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर उसी एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने एफ आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सारे एप्लीकेशन चूज़ करना है। मैं यहाँ पर सारे एप्लीकेशन जो चूज़ करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। जितनी भी ज़्यादा एप्लीकेशन हो उतना मोबाइल खूबसूरत लगता है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा ऑलरेडी। तो इसके बाद आप लोगों ने बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप लोगों ने स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों ने पहले इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन किया, अगर आप लोगों ने इसको बंद करना है तो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप लोगों ने इस छोटे से बंद वाले जो बटन है, जो स्विच ऑफ वाली बटन है, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अभी ये लॉन्चर जो ये स्टॉप हो गया, यहाँ से आप लोगों ने अपने मोबाइल का लॉन्चर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ख़त्म हो गया। अगर दोबारा आप लोगों ने ऑन करना है, यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इतना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।